ये आठों की आठों चीजें बस 1800 रुपए में लेकर आया हूँ मैं सरोजनी नगर मार्केट से। मैं पहुंच गया सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन। एग्जिट लेते ही आपको ये फुटपाथ पे सामान देखना स्टार्ट हो जाएगा, पर मार्केट आगे जाके स्टार्ट होगी। थोड़ा सा चलने के बाद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने आपको सरोजनी नगर का एंट्री गेट नंबर 3 दिख जाएगा। अंदर घुसते ही आपके सामने ढेरों दुकानें और लाखों चीजें होंगी। अब ये आपका स्किल है कि आप इसमें से अपने काम की चीज कैसे ढूंढ के निकालें। कुछ शॉप्स नंबर्स मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इन शॉप्स पर आपको ये सामान मिल जाएगा। मेरी फेवरेट थी शॉप नंबर 135, जहां से मैंने 2 कार्गोज ली, जो कि आगे वीडियो में दिखाऊंगा मैं। ये शर्ट भी पसंद आ गई थी मुझे, पर भैया ने प्राइस कम करने से एकदम मना कर दिया, तो मैंने भी दुकान छोड़ दी। इतनी गर्मी में इस दुकान से उस दुकान भटकने के बाद मैं आया इस आइसक्रीम शॉप पर, एंड यहाँ से मैंने 2-in-1 आइसक्रीम ली एंड कसम से मजा ही आ गया। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो कभी मत लेना, हमेशा आपका ही नुकसान होगा। सारा सामान लेकर मैं चल दिया, अब एक एक करके दिखाता हूँ। तो सरोजनी नगर जाने से पहले एक चीज बहुत क्लियर थी मेरे माइंड में कि कार्गोज लेकर आने हैं। सो आई बॉट दिस कार्गो। शॉपकीपर 450 रुपीज बोल रहे थे पर पीस, एंड आई वॉन्टेड कि काफी कम करा लूँ उनसे, पर काफी टाइम तक उनसे बात करने के बाद वो बस 350 तक ही आ पाए। उसके बाद ये वाली सर्वाइवर पैंट्स मैंने सेम शॉप से ली, इसके भी वो 450 मांग रहे थे, पर इसे भी मैं 350 में लेकर आया, एंड जैसे मुझे ट्रेकिंग का शौक है तो उस पर काम आ जाएगी। लेट्स कम टू दिस टी शर्ट। ये जो जगह जगह शॉप्स के बाहर स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो वो लिखे रखते हैं कि सारा सामान 150 में, सारा सामान 100 में, तो वहां पे ये ढूंढी मैंने 150 रुपीज में, एंड की क्वालिटी मुझे काफी सही लगी 150 रुपीज के अंदर। एंड जिस शॉप के बाहर वो स्टॉल था, उसी शॉप से मैं ये वाली टी शर्ट लेके आया। ये 250 मांग रहे थे, एंड काफी टाइम तक उनसे बार्गेन करने के बाद बस 200 तक ही लेकर आ पाया। आई थिंक ये वाली मैं थोड़ी महंगी ले आया टी शर्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं 350 की कार्गोज लाया हूँ तो टी शर्ट तो 200 की नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 150 रुपीज में ये शॉर्ट्स लेकर आया मैं, वही जो स्टॉल्स लगे होते हैं 150 में सारा सामान, वहीं से ये 150 की लेकर आया मैं। नाउ दिस लोअर, ये भी जो स्टॉल्स लगे होते हैं वहीं पे ही ढूंढा मैंने, एंड ढूंढना पड़ता है यार जो स्टॉल्स लगे होते हैं सारा सामान सिर्फ इतने में, तो वो सिंगल पीस होता है, एक ही साइज का होता है, तो आपका लक है, अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट स्टॉल भी ढूंढो। वो 350 मांग रहे थे, मैंने 300 दिया। आई थिंक थोड़ा महंगा ले आया मैं, अगर मैंने ज्यादा कम प्राइस बोल दिया और उन्होंने मना कर दिया तो फिर ईगो की बात आ जाएगी और ये चीज मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, सो दैट्स व्हाई 300। इसके बाद ये खादी कुर्ता, ये मैंने ऑनलाइन देखी भी थी और मुझे लेनी भी थी, तो मार्केट में चलते चलते मुझे दिख गया, एंड वो 250 रुपीज बोल रहे थे, तो मैंने 150 बोला। पहले तो वो मना कर रहे थे, तो फिर मैं उस दुकान से चल पड़ा, पर फिर उन्होंने आवाज लगा के बुला लिया एंड 150 रुपीज में मुझे दे दिया। एंड लास्ट में ये हैंकरचीफ का पैकेट, वो 12 पीस का पैकेट बोल रहे थे 350 रुपीज का, एंड मैं ये लेकर आया हूँ 150 रुपीज के 12 पीसेस। जो बेल्ट वाले होते हैं, सॉक्स वाले होते हैं, हैंकरचीफ वाले होते हैं, एक्सेसरीज वाले होते हैं, वो काफी अच्छे से नेगोशिएट कर लेते हैं, तो मुझे एक बेल्ट वाला मिला था वो 250 रुपीज की सिंगल बेल्ट बोल रहा था, तो मैं उसको लेकर आ गया था 150 रुपीज में, 2 बेल्ट देने को तैयार हो गया था। एंड दैट्स इट, मेंस फैशन फीचरिंग सरोजनी नगर पे ज्यादा वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे, तो ये था मेरा कंट्रीब्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड इफ यू वांट कि मैं ये सारी चीजें स्टाइल करके दिखाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।